नमस्कार, मैं सीआरजे और आप देख रहे हैं दैट टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेकर के आया हूं एक और नया वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गोल एरिया है उसका स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं, यानी गोल अपने पास कोई प्लाई का पीस टॉप वगैरह बनाया हुआ है तो उसका कैसे पता करें कि इसमें कितना स्क्वायर फीट है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे एक दर्शक ने किया था, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, बापजी करके उनके प्रोफाइल में नाम है। तो सवाल उनका अच्छा था, तो आज इसी पे मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप कभी भी बिल्कुल आसानी से गोल चीज का स्क्वायर फीट निकाल लेंगे चंद मिनटों में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसका भी जल्द से जल्द जवाब देने की। तो अभी चलते हैं वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ गोल का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। चलिए अभी सबसे पहले हम एक गोल मार्क कर लेते हैं। तो ये वाला हमने इस पेपर पे आया, ये वाला हमने गोल मार्क कर लिया। अब इसके लिए जैसे हमने मार्क किया तो ये वाला इसका, ये देखिए ये वाला सेंटर है। अब ये सेंटर से जो गोल का स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर निकालने का जो भी फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, ये वाला इसका गणित में फॉर्मूला है। अब पाई का मान मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि उसका 3.14 ये पाई का मान होता है, ये लगभग ही होता है, कहीं पे भी एग्जैक्ट है वो नहीं होता है, लेकिन इतना ही मान के चलते हैं, सब जगह पे इसी हिसाब से निकाला जाता है, या फिर 22/7 इसका मान होता है। अब आगे बच गया अपना आर। अब आर है वो होता है रेडियस, यानी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको रेडियस बोलते हैं, और यहाँ से पूरी यहाँ तक होती है उसको डाया बोलते हैं। तो ये आर यानी रेडियस। अब रेडियस को इसको हम माप लेंगे कि कितना है, चाहे हम पूरा को माप के आधा कर लें या यहाँ से यहाँ तक माप लें कितना है। तो अभी इसको इससे यहाँ से हम लेके यहाँ तक माप लेते हैं ये कितना आता है। तो देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये आता है 3.5 इंच। अब ये वाला 3.5 इंच का आया है तो इसका अभी आगे हम स्क्वायर फीट निकालेंगे। देखिए तो अगर हम 3.5 है उसको, या तो 3.5 को ये स्क्वायर है तो लिखने के लिए 3.14 × 3.5 है ना, तो एक बार इसको स्क्वायर है ऊपर, इसके लिए 3.5 × 3.5, यानी इसको गुणा सरल करने के लिए दोनों को गुणा करेंगे। अब 3.5 और 3.5 को जब हम गुणा करेंगे तो देखिए ये वाला अपने पास आ जाएगा 12.25। अब 12.25 और ये 3.14, तो इसको 3.14 से गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर से गुणा कर लेंगे तो ये वाला जो इसका है वो अपने पास आएगा 38.46 और आगे एक डिजिट और आती है तीसरी, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये इतना हो गया। तो अगर इसको हम 46 है मतलब 46.46 हो गया, तो अगर इसको हम प्लस माइनस में अगर देखने जाएंगे तो ये 5 आएगा, यानी 38.5 होता है। अब ये 22.7 है, इस फॉर्मूले से भी कर लेते हैं तो इंटू 3.5 का स्क्वायर है, तो इसको फिर एक बार इससे गुणा कर लेंगे 3.5। अब इससे करते हैं तो ये वाला 3.5 है तो इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो गया 2, 3.5 एक कट गया। फिर इसको अभी देखिए 2 बच गया नीचे, तो ये ऊपर है 22, तो 22 को हम 2 से काट सकते हैं, तो
तो ये हो जाएंगे 11। अब 11 को 3.5 से कर देंगे, चाहे हम इसको पहले 22 को 3.5 से करें या 11 को 3.5 से करें, एक ही बात है, क्योंकि पहले 22 से कर लेंगे तो फिर 2 का भाग देना पड़ेगा, बात एक ही है। तो इसको भी हम 11 को 3.5 से गुणा कर लेते हैं। अब 11 को 3.5 से गुणा किया तो देखिए इसका उत्तर है वो 38.5 आता है। ये वाला मैं आपको दूसरा फोन में कैलकुलेटर से जो निकाला है आप देख लीजिए, ये वाला इससे निकालेंगे तो 4.6 आएगा और ये वाला 38.5 आएगा। इस तरीके से निकालेंगे तो 22/7 से, क्योंकि इसमें पूरी डिजिट है और ये 1.4 है ये इसका निकाला हुआ, तो ये असीमित होती है आगे, तो उसमें ये चीज जो पॉइंट वाला है दूसरी डिजिट में वो इतना का लेस होता है, लेकिन इसको जब गिनती करने जाएंगे प्लस माइनस का मतलब होता है जो दूसरी डिजिट है उसमें जो पॉइंट कुछ कम ज़्यादा 0.9 हो गया तो उसको फिर है वो 100 में 99 हो गया तो 100 में गिनती करेंगे, 49 यानी 45 के बाद हो गया तो उसको 50 में गिनती करेंगे। अब इसमें ध्यान यही रखने वाला है कि अगर हम स्क्वायर अगर फिट निकाल रहे हैं तो ये वाला जो लास्ट का एरिया है जैसे 38.46 आया तो ये भी स्क्वायर में होगा, यानी ये वाला स्क्वायर में होगा, ये वाला जो हमारा उत्तर आया ये फिट है तो फिट होगा, इंच है तो इंच स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो स्क्वायर मीटर होगा और एमएम है तो स्क्वायर एमएम होगा, ये वाला जो उत्तर आएगा क्योंकि स्क्वायर फिट निकाल रहे हैं तो उसकी इकाई है स्क्वायर फिट या स्क्वायर एमएम स्क्वायर सेंटीमीटर ही होती है, तो ये उत्तर आता है इसको हम स्क्वायर फिट मानेंगे, स्क्वायर फीट ये हमारे पास निकल के आएगा क्योंकि हम स्क्वायर फीट ही इसका निकाल रहे थे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि गोल चीज़ का स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।